दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की जेल हो गई है। शराब घोटाले मामले में ईडी की रिमांड पूरी होने के बाद आज कोर्ट ने केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस बीच तिहाड़ जेल में हलचल तेज है। तिहाड़ जेल के 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर सभी जेल के सुपरिंटेंडेंट और एडिशनल सुपरिंटेंडेंट को अलर्ट पर रखा गया है। जेल नंबर 3 में डिस्पेंसरी है। जेल जाने के आदेश के बाद केजरीवाल ने कोर्ट से मांग की थी कि धार्मिक लॉकेट उन्होंने पहन रखा है, उसे वो साथ ले जाना चाहते हैं। केजरीवाल ने स्पेशल डाइट की मांग की है। जेल के लिए गीता रामायण और हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड इन 3 किताबों की मांग की है। ईडी ने कोर्ट में कहा कि उन्हें फिलहाल रिमांड नहीं चाहिए, लेकिन आगे इसकी जरूरत पड़ सकती है। 15 दिन की जेल में भेज दिए गए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। बड़ा सवाल यही कि बतौर मुख्यमंत्री अब वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, क्योंकि अब तक इस्तीफा उनकी ओर से नहीं आया है। फैसले के बाद तिहाड़ जेल में प्रबंधन चाक चौबंद कर दिया गया है। जेल नंबर 2, 3 और 5 को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। तिहाड़ जेल में सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कर दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट के बाद सीधे तिहाड़ जेल अरविंद केजरीवाल को ले जाया गया। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा रामले में था, क्या कहेंगे? मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा रामले में था, क्या कहेंगे? मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा रामले में था, क्या कहेंगे? मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा रामले में था, क्या कहेंगे? मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। राम किंकर सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ तिहाड़ जेल से जुड़ रहे हैं। संजय शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट से जुड़ गए हैं। सबसे पहले संजय, आपका रुख करते हुए एक मोटा मोटा सवाल आपसे पूछ लेते हैं। अब अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य क्या है, क्योंकि वो ये तय कर चुके हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से ही सरकार चलाएंगे। ऐसे में क्या प्रोज एंड कॉन्स उनके लिए हैं? सबसे बड़ा सवाल यह कि अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य क्या है, और उससे बड़ा सवाल यह है आतिशी का और सौरभ भारद्वाज का राजनीतिक भविष्य कैसा है, क्योंकि उनकी उपस्थिति में दोनों नेता यहां उपस्थित थे। अरविंद केजरीवाल कोर्ट में उपस्थित थे, उनके वकील उपस्थित थे। ईडी ने अदालत से साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल ने हमारे सवालों के जवाब में यह कहा कि नायर को, चूंकि वो नायर आतिशी मरलिना और इन्हें ही रिपोर्ट करते थे सौरभ भारद्वाज को, ना अरविंद केजरीवाल ने इसका खंडन किया, ना सौरभ ने और आतिशी ने किया। ये जरूर हुआ कि जैसे ही ईडी ने यह कहा कि वे एक नायर उनका रिपोर्ट करते थे सौरभ और आतिशी को, सौरभ और आतिशी की निगाहें अरविंद केजरीवाल की तरफ उठी, दोनों की निगाहें मिली, लेकिन उसमें कोई जवाब नहीं आया। और उसके साथ ही ना तो अरविंद केजरीवाल ने ये ऑब्जेक्शन किया कि ये गलत बयानी है, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है। यानी कुल मिलाकर इसमें आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में 15 अप्रैल तक जेल जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को कब ईडी का समन आ जाए पूछताछ के लिए कि अरविंद केजरीवाल ने आपका नाम लिया है, आप भी पूछताछ के लिए आए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज और प्रोज एंड कॉन्स की बात की है, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उन्हें जेल से ही सरकार चलाने को तैयार हैं, सरकार चलेगी, दिल्ली का बेटा हार नहीं मानेगा, सरकार जरूर चलाएगा। तो यही वजह है कि सिर्फ जेल में कुर्सी पर बैठ जाने से सरकार चलाना मुश्किल होता है। सिर्फ जेल में कुर्सी मेज की मांग करके और आप सरकार चलाने की बात करें, इतना आसान नहीं है, क्योंकि सरकार चलाने के लिए आपको कैबिनेट की मीटिंग करनी पड़ती है, आपको सचिवों के साथ मुलाकात करनी पड़ती है और तमाम चीजें डिस्कस। मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया कि नायर की लगातार मरलेना और सौरभ भारद्वाज से बात हो रही थी, पहली बार सौरभ भारद्वाज का भी जिक्र किया गया है, तो क्या सौरभ भारद्वाज के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? क्या उन पर भी जांच का शिकंजा आ सकता है? आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करते थे विजय नायर, ये ईडी कह रही है, और ये उन्हें अरविंद केजरीवाल के हवाले से मालूम पड़ा है। अब अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में बताया, उन्होंने ये दावा किया है, अब इसकी जांच होगी। संजय, इस पूरे मामले में पहली बार सौरभ भारद्वाज का जिक्र हुआ है, और वो भी ये साफ तौर पर कहना कि उनके लिंक्स, उनके कॉन्टैक्ट्स नायर से थे, उनकी बातचीत हो रही थी आतिशी के साथ साथ।
जी हाँ बिल्कुल, ये पहली बार सौरभ भारद्वाज का नाम आया है। आतिशी का नाम तो गोवा प्रभारी के तौर पर पहले भी आया था, गोवा चुनाव के प्रभारी थी और नकदी उन्हीं के जरिए ली दी गई। एक मंत्री ये कह रहे हैं कि हमें पता नहीं कि उस समय गोवा चुनाव के प्रभारी कौन थी। दूसरे मंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि उनसे मिलने कौन मुख्यमंत्री आवास में आता था उन्हें पता नहीं है। जब इसकी तस्दीक के लिए उनसे फोन मांगा जाता है तो जांच एजेंसी की ये दलील होती है कि ना ये फोन दे रहे हैं, ना ये उसका पासवर्ड बता रहे हैं, कुछ भी ऐसा हर चीज का गोलमोल जवाब दे रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, यानी मेमोरी लॉस की तरह स्थिति है। तो ऐसे में ये बहुत एक ही चीज जो आपने कहा था जेल से सरकार चलेगी या नहीं, उस सवाल का जवाब यह है कि वो उसी स्थिति में हो सकता है जब जेल प्रशासन उनको इजाजत दे और किसी भी जगह को डेजिग्नेट कर दे जेल के रूप में। और ये आदेश, इसकी पुष्टि केवल और केवल उपराज्यपाल कर सकते हैं। तो जैसे कॉर्डियल रिलेशन है, कॉर्डियल विद इन कोर्ट, जैसे सौहार्दपूर्ण रिलेशन दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के हैं, उसमें मुझे तो नहीं लगता कि उपराज्यपाल ये कहेंगे कि हाँ जी ये जो मुख्यमंत्री आवास है या कोई ऐसी बढ़िया जगह है उसको जेल के रूप में डेजिग्नेट कर दो। संभावना कभी लग रही है सरकार भी चला ले। कौन कौन है उस जेल में मौजूद अरविंद केजरीवाल की पार्टी से, उनके साथ जो पहले मंत्री काम करते थे वो अब तिहाड़ जेल में अंदर हैं, सत्येन जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंदर हैं, शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया अंदर हैं, संजय सिंह भी शराब घोटाले मामले में अंदर हैं। अब केजरीवाल ने ये तीन किताबें अंदर मांगी हैं, उसकी मांग की है, कुछ दवाएं भी मांगी हैं। सुनील गुप्ता पूर्व पीआरओ तिहाड़ जेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, जब एक मुख्यमंत्री जेल में जाता है और जब एक आम व्यक्ति जेल में जाता है जो मुख्यमंत्री नहीं है, मान लें कोई मंत्री है, उसमें और आम व्यक्ति में क्या फर्क होता है सुविधाओं में और वहां की जो व्यवस्था है उसमें? देखिए यहाँ दिल्ली की ना बहुत ही अच्छी बात है कि दिल्ली में किसी के पद के ऊपर या किसी के इनकम स्टेटस के ऊपर कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता। आज से आप लगा लें 20 साल पहले यहाँ पे होता था बी क्लास और सी क्लास होती थी और उसमें होता था कि अगर कोई मंत्री आ रहा है जेल में या कोई एमपी आ रहा है, एमएलए आ रहा है, तो उसके लिए बी क्लास सुविधाएं होती थी। पर अब जो है ये 97-98 ये सारी सुविधाएं जो है वो कर दी थी, इनको एबॉलिश कर दिया था और सबको एट पार रखा जाता है, दैट इज ऑर्डिनरी क्लास प्रिजनर। जो सुविधाएं दी जाती हैं, अब जैसे अगर हम किसी एक पार्टिकुलर केस का देखें कि कोई आदमी बीमार है, अब बीमार है उसको शोर शराबे से अलग रखना है तो उसको हम क्या करते हैं, सेल में रख देते हैं। या कोई आदमी है जिसको सिक्योरिटी की जरूरत है तो उनको सेल में रख दिया। कोई आदमी है वो किसी औरों के लिए खतरा बना हुआ है तो उसको अलग आइसोलेशन उसमें वार्ड में रख देते हैं। तो इस तरीके का होता है, बाकी किसी मंत्री के लिए ये कोई अलग सुविधाएं है यहाँ पे जेल मैनुअल में नहीं है। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल डायबिटीज से पीड़ित है हम सभी जानते हैं, उनके लिए अलग तरीके का खाना वहां पर होगा, क्या सुविधा रहेगी? दवाइयां तो अलाउ कर दी गई हैं। हाँ देखें, जहां तक नेहा मैं असेस कर सकता हूँ, जो जहां तक मैं सोच सकता हूँ, क्योंकि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, सबसे पहला जो दवाई का तो सेकेंडरी आएगा, सबसे पहले जरूरत होती है इनको कि सेफ कस्टडी की, जो जेलर का सबसे पहला काम है सेफ कस्टडी ऑफ द प्रिजन एज वेल एज प्रिजनर है, तो सबसे पहले तो इनको सेफ कस्टडी चाहिए। सेफ कस्टडी में इनको अलग से रखेंगे, दूसरे प्रिजनर से दूर करके इनको रखेंगे ताकि इनकी सेल में कोई इनके आ जान ना पाए और इनकी सेल को ऊपर सिक्योरिटी भी जेल के अंदर देनी पड़ेगी, तो पहला काम होगा जो कि मैनुअल कहता है। दूसरा होगा जैसे इनको आपने बताया कि इनकी शुगर की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी जैसे इंसुलिन वगैरह इनको देनी है या जो दवाई देनी है तो जेल का डॉक्टर जो है वो इनको पर्सनली जो है अपनी अपनी केयर में रहेगा। जब भी इनको जिस टाइम पे भी इंसुलिन वगैरह देनी होती है तो वो उसका कंसर्न होगा। इसके अलावा इनको क्या डाइट देनी है, क्योंकि अगर सारी डाइट जो और प्रिजनर्स को देते हैं वो अगर इनको देंगे तो इनकी सेहत के लिए वो ठीक नहीं होगी, तो इनको क्या डाइट देनी है ये वो डॉक्टर डिसाइड करेगा और उसके बाद वो वाली डाइट जो है इनको दी जाएगी।
सुनील जी, अलावा राउंड की हाँ जी मीटिंग आवर्स क्या होंगे, किससे किससे मिल सकते हैं सिटिंग सीएम, और इसके साथ ही अंदर से कैसे सरकार चलेगी, क्योंकि ना कोई डॉक्यूमेंट्स अलाउड होते हैं, ना आप सिग्नेचर कर सकते हैं, ना मीटिंग कर सकते हैं, ना किसी से मिल सकते हैं, कैसे होगा? नेहा आपने बड़ी अच्छी बात कही है। देखिए मीटिंग आवर्स जो होते हैं, जो आम आदमी होता है उसके लिए मीटिंग आवर्स सुबह 9:30 स्टार्ट होता है और 12-1 बजे तक वो रहता है, तो इनका सबके साथ तो हो नहीं सकता। मीटिंग आवर्स के लिए सुपरिटेंडेंट जेल को पावर है कि इनकी मीटिंग जो है इन सेक्लूजन वो कर सकते हैं, एक पार्टिकुलर प्लेस पे कर सकते हैं, जैसे कोई कमरा हो सकता है उसमें इनको बिठा सकते हैं।